लेटेस्ट न्यूज के लिए सब्सक्राइब करें और न्यूज अपडेट्स के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने रायपुर में आयोजित भारतीय उद्योग परिसंघ युवा उत्सव 3.0 को संबोधित किया। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने युवाओं के कौशल विकास और सशक्तिकरण पर जोर दिया। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को दोहराते हुए कहा कि युवाओं को जॉब गिवर बनना चाहिए, न कि जॉब सीकर। इस आयोजन का उद्देश्य छत्तीसगढ़ की युवा शक्ति को प्रेरित करना और उन्हें सफल उद्यमी बनने के लिए प्रोत्साहित करना है। कार्यक्रम के दौरान विभिन्न पैनल डिस्कशन और कौशल विकास के नए अवसरों पर बात की गई। बीते 10 साल में मोदी जी ने अधोसंरचना के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ में शानदार काम किया है। हमारा रेलवे नेटवर्क सुदृढ़ हो गया है। नेशनल हाईवे का जाल पूरे प्रदेश में बिछ गया है। इकोनॉमिक कॉरिडोर विकसित हो गए हैं। यह विकसित और अधोसंरचना छत्तीसगढ़ में निवेश के लिए शानदार अवसर है। विकसित भारत की संकल्पना के अनुरूप विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण के लिए हम प्रदेश में कार्य कर रहे हैं। हमने अपना बजट 2047 के विकसित छत्तीसगढ़ के लक्ष्यों को देखते हुए तैयार किया है। प्रदेश के लिए हमारा लक्ष्य 2028 तक जीएसडीपी को 5 लाख करोड़ रुपए से बढ़ाकर 10 लाख रुपए करना है। मुझे लगता है आज इस मंच के माध्यम से नए उद्यम और अवसरों पर जो चर्चा होगी उससे छत्तीसगढ़ में नई औद्योगिक संभावनाओं के द्वार खुलेंगे। निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ के औद्योगिक परिदृश्य को बेहतर करने में यह आयोजन काफी उपयोगी साबित होगा। मुझे उम्मीद है हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश समेत देश भर का युवा राष्ट्र को मजबूती में अपना योगदान देने में पीछे नहीं रहेगा। For more news updates, do subscribe, like, share and comment. Clipper 28.